Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to learn this beautiful DIY home decor. If you are interested in learning, please continue watching the video. If you are new here, please consider subscribing my channel and also hit the bell icon to stay updated whenever I post a new video. तो इस होम डेकोर को बनाने के लिए हमें क्राफ्टिंग वायर चाहिए एंड ये क्राफ्टिंग वायर आपको किसी भी स्टेशनरी या फिर क्राफ्ट शॉप में आराम से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बॉन्साई बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी पेटल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वायर को डबल फोल्ड कर लिया है एंड उसके बाद में मैंने एक पेन की रिफिल लिया है। आप चाहो तो टूथपिक भी ले सकते हो एंड फिर आपको ये जो वायर है उसको रिफिल के ऊपर ओवरलैप करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, एंड आपको उसकी एक स्प्रिंग बनानी है। तो यहाँ पे मैंने नीचे थोड़ा सा वायर छोड़ा है एंड जैसे आपने स्प्रिंग बना ली उसके बाद में आपको इसको हल्के हाथों से प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद में आपको इसको एक फ्लावर का शेप देना होगा एंड मैंने इसको ऐसे सर्कल करके इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। एंड ये जो क्राफ्टिंग वायर होता है आप इसको आराम से फोल्ड कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना लिए हैं एंड फिर आपको क्या करना है, आपको इन जैसे आपने जो दो पैटर्न्स बनाए हैं उसके बाद में आपको इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है एंड सबको एक साथ में आपको इसको ट्विस्ट करके एक ट्री का शेप देना है। तो आपको ऐसे ही बहुत सारी ट्री के ब्रांचेस बनानी है। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 10 टू 15 ब्रांचेस बनाई है एंड अभी आपको इन सबको असेंबल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक वायर से ट्रंक बनाया, जो पेड़ का ट्रंक होता है मैंने वो बनाया है एंड अभी ये जो हमने ब्रांचेस बनाई है हमें इसके ऊपर ओवरलैप करना है एंड हमें एक ट्री का शेप देना है इसको। तो सारी ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने के बाद में हमें इसे एक ट्री का शेप देना है। तो ब्रांचेस को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है हमें। तो नीचे बेस के लिए यहाँ पे मैं एक कलरफुल मार्बल लिया है एंड मैं इसको एक प्लास्टिक की जो खाली डब्बी होती है मैं उसके अंदर इसको हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक करूँगी। स्टिक करने के बाद में आपको इसकी ब्रांचेस को थोड़ा सा और अच्छे से असेंबल करना है। जैसा बॉन्साई होता है हमें उसको वैसा ही रियल दिखाना है, तो ब्रांचेस को मैंने थोड़ा सा लिफ्ट कराया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कराया है एंड मैंने इसको एक ट्री का शेप दिया है। सो दैट्स द फाइनल रिजल्ट एंड ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा एंटिक एंड बहुत ही ज़्यादा रॉयल लग रहा है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑन करिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।